दिशा समाज सेवी संस्थान द्वारा सखी परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 55 बालिकाओं को शैक्षिक भ्रमण मंगलवार को कराया गया, जिसमें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, महिला शाला एवं सुरक्षा केंद्र, महिला थाना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भ्रमण कराया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शक्ति सिंह राठौड़ द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की जानकारी दी। हाँ सर, कौन सी संस्था है और क्या आयोजन किया? हम लोग दिशा संस्था से, दिशा संस्था का एक सखी परियोजना कार्यक्रम चला जा रहा है जो नसीराबाद के आसपास के 10 गांव में है, जहां से बच्चों को आज एक्सपोजर के लिए 55 बच्चों को एक्सपोजर के लिए लाया गया, जहां पर फर्स्ट ITI, जहां पर उनको वोकेशनल ट्रेड में कौन कौन से वोकेशनल उनको सिखाया जाता है, किस प्रकार से क्या वोकेशनल में उनको एडमिशन कैसे करा सकता है, उसके बाद महिला थाना, महिला शाला सुरक्षा केंद्र, ये प्लान है, उसके बाद जिला विधिक प्राधिकरण में वहां पर इनके संग एक वर्कशॉप है, देन उसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर, इनके लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनके राइट्स के लिए अवेयर करने के लिए इनका प्रोग्राम है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर, इनको बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं इनके वो मालूम होना चाहिए, साथ में एडवांस कोर्सेज के लिए कहां एडमिशन हो सकता है वो दो उद्देश्य के लिए। लीगल काउंसलर महिला सुरक्षा केंद्र से हूँ और यहाँ पर मैं लोगों को समझाइश के दौरान लोगों की समस्याएं सुनती हूँ, जैसे परिवार में जो भी परेशानियाँ आती हैं पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में, तो दोनों पक्षों को मैं सुनकर उनकी समझाइश के बातचीत से उनकी समझाइश करवाती हूँ, सुलह करवाती हूँ। सबसे पहले मुकदमा दर्ज होने से पहले हम चाहते हैं कि पहले समझाइश के दौरान इन सबका मामला यहीं निपट जाए और उसके बाद में फिर जो भी हो आगे स्टेप, तो इसलिए आज दिशा NGO से बच्चे आए हैं, इनको हमने महिला सलाह सुरक्षा केंद्र और महिला थाने का विजिट कराया और इनको यहाँ की जानकारी। अजय, आपने निरीक्षण के दौरान क्या सीखा? सर, यहाँ हमें महिलाओं के बारे में जानकारी मिली है कि महिलाओं के साथ मारपीट और कुछ भी अत्याचार होता है घर में, तो हम किस तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें सलाह लेनी चाहिए यहाँ आके, और ताकि दोनों परिवार में अनबन ना हो और समझौता हो सके, और महिला थाने में मतलब कि दोनों को समझाया जाता है, और हम कभी घर से बाहर नहीं निकले तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, क्योंकि गांव के लड़कियों को अकेले कहीं बाहर भेजते नहीं है, बहुत लड़कियों को जानकारी भी नहीं है कि महिला सलाह सुरक्षा केंद्र होता क्या है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली, और कभी लड़कियां थाना भी नहीं देख पाई, ऐसी कुछ लड़कियां मेरे साथ, तो उनको भी कुछ जानकारी। आप कौन सी संस्था से और आपने यहाँ पर निरीक्षण किया है, देखा है, क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम दिशा सिटी संस्था से जुड़े हुए हैं और हम यहाँ से आते ही सबसे पहले ITI गए, वहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में ब्यूटिशियन कोर्स करके हमें क्या उससे फायदा मिल सकता है, डिजाइनिंग कोर्स से हमें क्या फायदा मिलता है, और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में हमें उससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। उससे चल के हम यहाँ आए थाना विजिट में, यहाँ पे देखा कि आप हमें महिला उत्पीड़न के बारे में कि आप इससे क्या सलाह प्राप्त कैसे कर सकते हो, और आप यहाँ के बारे में हमें ये बताया गया है, और इसके बाद हम सखी दिशा से वहाँ जाएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो, हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले, पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट।